हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूनो मैकेनिकल में। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद से ऑटो कंपनियों का फोकस वाहनों की लॉन्चिंग और ग्राहकों को गाड़ियों की ओर आकर्षित करने पर है। इसके चलते जहां कंपनियां ग्राहकों को कई ढेर सारे ऑफर दे रही हैं, तो वहीं वाहनों को भी लॉन्च कर रही हैं। हाल ही में कंपनियों ने कई वाहन लॉन्च किए हैं, जबकि कई वाहनों को आने वाले दिनों में लॉन्च करने की तैयारी है। आगामी दिनों में भी कई दमदार बाइक्स लॉन्च होने जा रही हैं। आइए जानते हैं इन बाइक्स के बारे में। रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 कंपनी नई बाइक रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि इस बाइक को थंडरबर्ड 350 से रिप्लेस किया जा रहा है। इस बाइक को कई वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जिनमें से एक मीटियोर 350 फायरबॉल है। बाजार में इस बाइक की कीमत 168,550 रुपये रहने की उम्मीद है। रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 फायरबॉल मोटरसाइकिल जे प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसमें 346 से 499 सीसी की क्षमता वाला एक नया इंजन मिल सकता है। नई बाइक में आगे पीछे डिस्क ब्रेक होंगे, वहीं फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्स सस्पेंशन और रियर में ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिलेंगे। इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। हीरो एक्सप्लस 300 देश की दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटरक्रॉप भारतीय बाजार में अपनी हीरो एक्सप्लस 300 को उतारने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कंपनी ने हाल ही में अपनी एडवेंचर टूरर बाइक हीरो एक्सप्लस 200 को लॉन्च किया था। जानकारी के अनुसार हीरो एक्सप्लस 300 में 300 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो कि 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस होगा। यह इंजन 30 HP की पावर और 30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी कीमत मौजूदा हीरो एक्सप्लस 200 से ज़्यादा हो सकती है। बता दें कि हीरो एक्सप्लस 200 की कीमत 106,000 हो सकती है। KTM 250 एडवेंचर बाइक निर्माता कंपनी ने हाल ही में KTM 390 को पेश किया था। वही अब कंपनी KTM 250 एडवेंचर बाइक को बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस नई बाइक में 248.7 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इसका इंजन 30 PS की पावर और 24 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि KTM 390 एडवेंचर और 390 ड्यूक में भी है। इसके अलावा बाइक में LED हेडलैम्प, क्विक शिफ्टर, कॉर्निंग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को भी शामिल किया जा सकता है। KTM 250 एडवेंचर ऑस्ट्रियाई मोटरसाइकिल निर्माता के पोर्टफोलियो में एंट्री लेवल ऑफ रोडिंग बाइक है। इसे ICMA 2019 में प्रदर्शित किया गया था। बाइक को जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। बाइक की कीमत 2.5 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। TVS जैपलिन TVS मोटर जल्द ही भारत में रॉयल इनफील्ड को चुनौती देने के लिए अपनी क्रूजर बाइक लॉन्च कर सकती है। TVS ने जैपलिन 212 सीसी को 2018 के ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया था। वहीं अब इस बाइक का प्रोडक्शन वर्जन तैयार है। जानकारी के मुताबिक जैपलिन में 212 सीसी का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक इंजन लगा है, जो 20 BHP की पावर जनरेट करता है। वहीं इस बाइक में नए उत्सर्जन मानकों के मुताबिक BS6 इंजन मिलेगा। साथ ही इसमें प्रदूषण को कम करने के लिए फ्यूल इंजेक्शन तकनीक का प्रयोग किया गया है। कंपनी इसकी कीमत 1.2 लाख के आसपास रख सकती है। इस बाइक में LED हेडलैम्प, अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक्स, स्पोक्ड व्हील, ड्यूल चैनल ABS के साथ दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। सो दोस्तों, यही थे कुछ बाइक जो आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली हैं। आपको इसमें से कौन सी बाइक सबसे पसंद है और आप किस बाइक का वेट कर रहे हैं, या आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं।